मगर तुम जा कहाँ रही हो? हमें किसी पहाड़ पर जाना है। मुझे पता है, मैं भी किसी पहाड़ तक पहुँच जाऊँगी और अपनी जड़ें वहीं गाड़ूंगी। पर हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। देखो, हम नहीं चाहते कि तुम कोई भी गलती करो। बिल्कुल सही। घबराओ मत, झील पार करते ही शॉर्टकट से तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? मॉम की बात याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी है। मुझे सब याद है। देख लेना, पहाड़ पर पहुंचने के बाद मैं ओक का कितना बड़ा पेड़ बनती हूँ। अब तुम जा सकती हो, मगर आगे का रास्ता ध्यान से तय करना। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, उन्हें होशियारी से पार करना। एक दिन मैं भी तुमसे मिलने आऊंगा, अपने पूरे परिवार के साथ। जाओ बहन, मालिक तुम्हारी रक्षा करे। जाओ, मेरी दुआएं हैं, आराम से जाना। इतनी दूर तक लगातार चलते रहने की वजह से बेचारे बच्चे थकने लगे थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वैसे अब उनके साथ चलते चलते मैं तो थकने लगा था और बोर भी होने लगा था। अब और आगे जाना भी नहीं चाहता था, मगर इतनी परेशानियों के बाद भी वो किसी भी कीमत पर बंजर पहाड़ तक पहुंचना चाहते थे। वो वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो वहां की मिट्टी का कटाव रोकें और वहां खेती के लायक जगह बनाएं। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था और उसे हर हाल में पूरा करना चाहते थे। देखते हैं इतना लंबा सफर करने के बाद ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बस अब मैं और नहीं चल सकती, पूरी तरह से थक गई हूँ। लगता है कि अब मुझे यहीं अपनी जड़ें जमानी होंगी। वैसे भी इस जगह में क्या खराबी है? ये जगह सुंदर है, यहाँ की हवा भी ताज़ा है, यहाँ की मिट्टी भी मेरे लिए सही है। अब बंजर पहाड़ के चक्कर में रहने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि मैं यहीं पर टिक जाती हूँ। यहाँ की मिट्टी में जड़ें जमा लूंगी तो एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। वैसे भी मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं तो अब कहीं नहीं जाने वाली, बस यहीं रहूंगी। देखो, हम पहुंच गए। मिली, तुम कहाँ हो? हम पहुंच गए। कहीं मिली को कुछ हो तो नहीं गया? मिली कहाँ चली गई होगी? देख लेना, कल सुबह हमें उस झील के आसपास वो कहीं मिल जाएगी। देखता हूँ शायद इसमें से कुछ नजर आ जाए। अरे वो रही। क्या मिली दिखाई दी? वो नहीं है। मिली ने घाटी में ही रुकने का फैसला कर लिया था। वो वहीं रही, उसकी जड़ें जमती गई। वक्त बीता और एक दिन आ गया। गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फ्रॉग, कैसे हैं आप? मैं वही हूँ जिसकी आपने मदद की थी। ओ हाँ हाँ, तुम तो वही हो। पहाड़ पर नहीं गई? नहीं गई, इतनी थक गई थी कि इसी नरम मिट्टी में अपनी जड़ें जमा दी मैंने। मगर ये जगह ओक के ट्री के लिए नहीं है, उसे तो किसी पहाड़ पर ही होना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? बाकी तीनों अपनी सही जगह पर पहुंच गए थे। वो अब काफी बड़े भी हो गए थे। उनके मुकाबले मिली थोड़ी कमजोर भी थी,
क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी की कमी थी, मगर वो यहीं खुश थे। और फिर एक दिन, बचाओ भाई, बचाओ मुझे, ये हवा मुझे उखाड़ देगी। घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ, रुक जाओ। अरे हौसला मत हारना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो पहाड़ पर होना चाहिए था। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं पहाड़ तक पहुँच पाऊँ, इसीलिए मैंने सोचा कि यही रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की मिट्टी अच्छी लगी थी। मगर मुझसे गलती हो गई, मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। अब तो मेरे भाई बड़े बड़े पेड़ बन चुके होंगे और मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे भी वहाँ पहुँचा दीजिए जहाँ मुझे होना चाहिए। आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए, मुझे जड़ के साथ उखाड़ लीजिए और मुझे भी मेरे भाइयों के पास पहुँचा दीजिए। आप तो बड़े अच्छे हैं, इसकी मदद कीजिए ना, प्लीज प्लीज कीजिए ना। ठीक है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे भी इसके भाइयों के पास पहुँचा दूँ। शायद मैं कामयाब भी हो सकता हूँ, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। अरे यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? वो देखो, शायद हमारी मिली हमारे पास वापस आ रही है। अरे हाँ, आखिर हमारी मिली हमारे पास फिर आ गई। अब हम चारों मिलकर अपनी मॉम का सपना पूरा करेंगे, हमें देखकर वो बहुत खुश होंगी। अरे वो देखो, यहाँ कितना बड़ा पेड़ है। हाँ, ये कितने जल्दी बड़े हो गए हैं। ये चारों अपनी माँ का सपना पूरा करने आए हैं। एक दिन ये काफी मजबूत पेड़ बन जाएंगे, तब हम इनकी छाया में आराम कर सकेंगे। धीरे धीरे चारों काफी बड़े और काफी मजबूत पेड़ बन गए। वक्त बीता तो उनके ऊपर भी फल आए और उनकी ही तरह उनके बच्चे भी अपनी नई दुनिया बसाने चल पड़े। धीरे धीरे उनका खानदान इतना बढ़ा कि उस बंजर वीरान पहाड़ पर एक विशाल घना जंगल उगाया, चारों ओर हरियाली छा गई। लाल चींटी यानी रेड एंट। जानवरों के साम्राज्य में लाल चींटियों की क्या हैसियत है? ये लाल चींटियां हिमेनोपेट्रा परिवार की होती हैं। इनकी प्रजाति है फॉर्मिसिडाए और उप प्रजाति है फॉर्मिसिनाए। इनका शरीर छोटा होता है मगर पेट वाला हिस्सा बड़ा। कुछ चींटियों के पंख भी होते हैं। ये कितनी किस्म की होती है? वैसे तो इनका परिवार एक ही है, मगर इनकी करीब 45 किस्में होती हैं। ये सब ठंडे और गर्म इलाकों में रहती हैं। ये कैसे रहती हैं? ये एक बड़ी बस्ती में रहती हैं और अपना घर घास के तिनकों और देवदार के कांटों से बनाती हैं। इनकी बस्ती में कई मजदूर चींटियां होती हैं, बच्चे पैदा करने वाली मादाएं होती हैं जिनके पंख नहीं होते, और कई रानियां भी होती हैं। इनके बीच एक महारानी होती है, सबकी रानी। ये अंडे देती है जिनसे इनके बच्चे पैदा होते हैं। ये कैसे चलती हैं? ये बड़ी तेजी से रेंगती हुई चलती हैं। एक बात और भी है, ये हमेशा झुंड में खाने की तलाश